हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा उसको डिस्कस करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस, जिसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों सेम होना चाहिए। सपोज ये दोनों एल हैं तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये दिस इम्प्लाइज लिमिट x approaching to a, fx is l। अब ये तो हो गया लिमिट का एग्जिस्टेंस। अगर अपन को बोलते हैं कि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है, तो उसमें क्या है कि लिमिट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए l के इक्वल, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी l के इक्वल आना चाहिए। तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। मीन्स अगर हम केवल लिमिट निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के इक्वेट कर देंगे एल से, या आना चाहिए। और अगर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो लिमिट का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम होना चाहिए, तो हम बोलेंगे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। राइट, अब इसे हम प्रॉब्लम बनाते हैं। देखो ऐसी प्रॉब्लम है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स मोर देन टू में है, राइट, और एक्स प्लस वन है एक्स लेस देन टू में, ये कंटिन्यूस या नहीं अपन को बताना है। तो इसमें अपन देखेंगे कि पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है टू पर, इसका यूज़ करेंगे टू स्क्वायर प्लस वन फाइव। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू प्लस एफ एक्स। अगला स्टेप होगा लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एफ टू प्लस एच, इसके बाद लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, मोर वाला फंक्शन यूज़ करते हैं प्लस में राइट हैंड लिमिट में, मतलब इसका यूज़ करोगे तो टू प्लस एच का स्क्वायर प्लस वन, मीन्स लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो टू प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव, ये भी फाइव आया। अब क्या एल एच एल भी इतनी आ रहा है, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू माइनस एच एच लिखो, फिर लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ टू माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो अप्रोचिंग टू जीरो, राइट, इसका यूज करोगे लेस आले का, तो टू माइनस एच प्लस वन, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो थ्री माइनस एच, तो थ्री आ गया। तो ये फाइव है, फाइव है लेकिन ये थ्री है, तो डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू, इसको नोट करो।